cosas se van a poner muy feas. Y yo no soy de quedarme quieta. Si más bien deberías me atirar. अब कौन सी नई मुसीबत आ गई, किस वजह से सभी टीममेट्स जश्न मनाते हैं, एपिसोड 7 में कौन सा सस्पेंस रिवील होता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आप लोगों के साथ बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड नॉन इंग्लिश शो मनी हाइस्ट के हाल ही में रिलीज वॉल्यूम 2 को। फाइनली एपिसोड 6 खत्म करने के बाद हम पहुंच चुके हैं एपिसोड 7 तक, जहां हमें फाइनली सारे मेल्टेड गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के बारे में दिखाया जाता है। मार्टिन अपने बनाए गए मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गड़बड़ के कारण गोल्ड एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता, मशीन में किसी तरह की गड़बड़ी की वजह से। कुछ देर के गैप के बाद फाइनली वो मशीन अपनी फॉर्म में वापिस आ जाती है, एक्सट्रैक्शन शुरू कर देती है, जो की एक बहुत बड़ा रिलीफ फैक्टर रहता है पूरी टीम के लिए। फाइनली इतनी फेल्यूअर्स के बाद और अपने तीन मेन कैरेक्टर्स टोक्यो की डेथ, नायरोबी की डेथ और हेलसिंकी के हाईली इंजर्ड होने के इंसिडेंट के बाद से ये पहली बार इनके लिए एक खुशी का मौका था। गोल्ड एक्सट्रैक्शन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और सभी गोल्ड बाल्स को गोल्ड ब्रिक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इस एपिसोड में एपिसोड 6 का सस्पेंस रिवील होता है, जहां फीमेल सोल्जर जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वो जिंदा है, अब वापिस अपनी फॉर्म में आ चुकी है और वो एसी डक्ट से होते हुए बैंक के इंटीरियर तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर ने किसी तरह से अपनी टीम से कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्हें अपने और बर्लिन के गार्बेज ट्रक के प्लान के बारे में इन्फॉर्म किया। बर्लिन इन मामलों में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, जब उसे पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर उनकी आंखों के सामने से चोरी करनी हो। प्रोफेसर के प्लान में जुड़ने के बाद बर्लिन और मार्टिन काफी ज्यादा खुश थे और उन दोनों ने छोटे बच्चों की तरह उस चीज का जश्न मनाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों भी महाभारत के अभिमन्यु की तरह ही थे, जिन्हें हिस्ट में जिन्हें चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आया जाएगा उस बारे में वो दोनों भी अनजान थे। अपने मनी हिस्ट वॉल्यूम 2 को देखना शुरू किया या नहीं, और आपके 7th एपिसोड के बारे में क्या विचार हैं, क्या बर्लिन का मास्टर प्लान काम कर पाएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने को कुछ अनकहा और सुनने को कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।